धन्यवाद करूँगा ईटीवी का, ईटीवी भारत का, कि आपके माध्यम से आपने जब ये हमारी बातें पहुँचाई यहाँ पे, तभी जाके यहाँ पे ये कूड़ा हट पाया है। और यहाँ पर कूड़ा तो हट गया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है पानी जो है बराबर जो है ऊपर से 24 घंटे जो है वो पानी चल रहा है ऊपर का, और उसका कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं। घरों के आगे जो है पानी खड़ा हो गया है, और पहले जो यहाँ पूर्व में जो यहाँ पे जो नाली थी उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन उस टाइम हम गए आश्वासन दिया गया कि मेले ख़त्म होने के बाद ये नाली सुचारू कर दी जाएगी, लेकिन वो बंद कर दी गई है और जो निकासियाँ थे वो भी बंद हैं, और ऊपर से पानी जो है ऊपर से चल रहा है। यहाँ पे जो पूरे ग्रामवासी भक्तानवासी जितने भी ये पूरे जो है परेशान हैं। मैं अभी जो है नगर पालिका से आ रहा हूँ, मैं वहाँ पर गया था नगर निगम के अंदर, वहाँ पर मैं जी साहब को मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया शाम का 3 बजे का, क्या शाम को 3 बजे तक जो है आपके यहाँ पे आदमी भेज के उसका कुछ समाधान करेंगे क्या। तो देखते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो उसके लिए फिर हमें जो है उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा पूरे भक्तानवासियों को, क्योंकि ये समस्या जो है किसी एक की नहीं, ये सबकी समस्या है यहाँ पर। और अब जो है दुनिया भर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जो है डेंगू की बीमारी है, तुम्हारा टाइफाइड है, पीलिया है, इस तरह की बीमारियाँ आम हो चुकी हैं यहाँ पर, और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है प्रशासन अगर नहीं जागता है तो उसके लिए फिर जो है पब्लिक को जागना पड़ेगा। फिर नगर निगम के माध्यम से मेले का आयोजन किया गया था, और मेले के दौरान वहाँ पे सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। मेला समाप्ति पर वहाँ पे अनावश्यक रूप से थोड़ा कूड़ा होना पाया गया, जिसे हमारे कर्मचारी द्वारा तुरंत ही साफ़ करवा दिया था, और वर्तमान में वहाँ पे पूर्णतः स्वच्छ है। जहाँ तक नाली वाली बात है जो आप चौक कर रहे हैं, पूर्व में ऊपर से पौड़ी रोड से एक नाला की निकलता था, जिससे मेले को देखते हुए उसको हमारे द्वारा फ्लैट करवाया गया था। अब वर्तमान में उस नाले पे हम लोग का अंडरग्राउंड पाइप बिछाने का कार्य योजना है, जिस पे काम किया जा रहा है, और शीघ्र ही उस पाइपलाइन को बिछाते हुए जल निकास की समस्या को पूर्णतः ही सही कर दिया जाएगा।